किस तरह से एक्सपोर्ट करना है, किस तरह से फाइल को कट लगाना है, सब कुछ मैंने बताया था कि किस तरह से आप ऑनलाइन वीडियो एडिटर को यूज कर पाओगे। ठीक है, और अभी कुछ लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर आप मुझे ये बता दो कि आपके सामने यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, तो आपको एक लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू वीडियो में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, कुछ नहीं है गाइस, आप मिल जाएगा इसको कैसे यूज करना है। मेरा वो आप वीडियो को देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो। चलिए मैं यहाँ पे मेरा वीडियो को अपलोड, अगर आपको यहाँ से म्यूजिक ऐड करना है बाय डिफॉल्ट तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए कंटेंट लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑडियो में आपको जाना है और यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारा ऑडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी ऑडियो को यूज कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक हो गया। देखिए तो गाइस मुझे बट मुझे ये वाला म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरा मोबाइल में मेरा डिवाइस में जो भी म्यूजिक है वो वाला म्यूजिक को मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, वो आप कैसे करें, देखिए गाइस बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए आपको सिंपली योर मीडिया में जाना है। ठीक है, देखिए ये सब म्यूजिक है। ठीक है, सपोज मुझे ये वाला म्यूजिक यूज़ करना है तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको म्यूजिक को कस्टम म्यूजिक ऐड कर सकते हो।